नमस्कार, मैं शैलेश झा और KIA न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में आज सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सिकोआबाद राम प्रकाश यादव नेहरू समेत 12 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में CGM कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं और न्यायालय में आरोपियों को 25 अप्रैल तक पेश करने के आदेश पुलिस को दिए हैं। दरअसल पूरा मामला जमीनी विवाद का है। 2004 में थाना लाइन पार क्षेत्र के नगला विष्णु के समीप एक 32 फुट जगह को फर्जी तरीके से दो बार बेचने का काम किया गया, जिसमें 14 लोग शामिल थे, जिसमें मुलायम सिंह यादव के समधी राम प्रकाश यादव नेहरू और अन्य लोग भी शामिल थे। इसको लेकर जगह के मालिक वीरेंद्र कुमार ने 12 सितंबर 2018 में राम प्रकाश यादव नेहरू और अन्य 13 के खिलाफ थाना लाइन पार में मुकदमा दर्ज कराया, जिसकी चार्जशीट 12 सितंबर 2019 को कोर्ट में दाखिल हुई। यह केस बराबर चलता रहा। राम प्रकाश नेहरू और उनके साथ ही इस केस को लेकर हाई कोर्ट से स्टे ले आए, लेकिन स्टे का समय निकलने के बाद वादी के वकील प्रवीण कुमार यादव ने न्यायालय के सामने यह बात रखी कि नियमानुसार इतना समय निकलने के बाद भी दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो न्यायालय द्वारा इन्हें नोटिस जारी किया गया कि आप आगे क्या कर रहे हैं उसे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करें, लेकिन इन सभी लोगों में से कोई भी कोर्ट में नहीं पहुंचा। तो न्यायालय द्वारा समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के समधी राम प्रकाश यादव नेहरू व अन्य 11 लोगों के खिलाफ 8 अप्रैल 2022 को वारंट जारी किया, जिसमें जितने भी लोग आरोपी हैं वह 3 थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह रहते हैं, इसलिए 3 थाना क्षेत्र के आरोपियों के लिए वारंट भेजे गए। वहीं न्यायालय में इन सभी को 25 अप्रैल तक पेश होना है। इनमें एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है जो कि इस समय जेल में बंद है। प्रवीण यादव एडवोकेट। मामला ये है कि 2018 में मेरे पक्षकार वीरेंद्र सिंह द्वारा राम प्रकाश और 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस द्वारा जांच करने पर इनके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया न्यायालय में। आरोप पत्र के बाद ये राम प्रकाश यादव और अन्य पक्षकार इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए, वहाँ से स्थगन ले आए। स्थगन पर 6 महीने से अधिक का समय होने पर हमने एक उच्चतम न्यायालय की जो रूलिंग है उसको दाखिल किया। उसमें कहा कि 6 महीने से अधिक का समय हो गया, अग्रिम आदेश लाएं, तो इनके लिए नोटिस जारी किए। नोटिस जारी होने पर ये उपस्थित नहीं हुए न्यायालय में, तो माननीय न्यायालय द्वारा ACM प्रथम द्वारा इनके विरुद्ध वारंट जारी कर दिए गए, जिसमें से मामला ये है कि वीरेंद्र सिंह के द्वारा एक श्याम सिंह से ज़मीन खरीदी गई थी और राम प्रकाश यादव और उनके पक्ष के लोगों ने एक फर्जी बैनामा तैयार कराया और तैयार कराने के बाद उसे 2018 में फिर बेच दिया। एक प्रॉपर्टी को दोबारा बेच दिया और जबकि उसके मालकान नहीं थे ये लोग, उनका हक नहीं था। अब क्या? अब ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इनके वारंट है, वारंट भी ये न्यायालय में सरेंडर करेंगे, जेल जाएंगे। ये 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र है, जिसमें 2 लोग जमानत पा चुके हैं हाईकोर्ट से, यहाँ से जमानत खारिज हुई थी सत्र न्यायालय से। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं, अभी जो वारंट राम सेवक अभी इस समय जेल में विचार बंद है। हम लोगों ने कोई पता नहीं, पुराना मामला है मतलब, और हाईकोर्ट से स्टे चल रहा था, जब हमें कोई जानकारी नहीं, कोई संबंध आए न कोई बात, कोई कागज नहीं। आपके बारे में कैसे पता लगा? आप लोगों ने बताई तब मालूम पड़ी हमको।